नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फिर से एक नए किचन टूर के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है पूरा का पूरा किचन, जैसे आप देख रहे हो एल शेप का किचन है। ये छोटा सा किचन है 9 एंड ये है 8 का। तो तीन अलग अलग कलर जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर ग्रे है, बीच में वाइट हमने रखा हुआ है, ब्लैक जो बैक स्प्लैश है उसको भी हमने वाइट ही रखा हुआ है, एंड काउंटर टॉप भी G5 का है वाइट, एंड नीचे भी जो कैबिनेट्स है उसको भी हमने ग्रे कलर का रखा हुआ है। एंड ये नीचे जैसे फ्लोर पर आप देख रहे हो, फ्लोर भी हम लोग का वाइट है। तो यहाँ पर इस तरह का एक ग्रे प्लस कॉम्बिनेशन वाला एक मैट मैंने इस तरह से बिछाया है। तो ये कुछ पूरा किचन आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है, ग्रे वाइट एंड ये नीचे जो है वो ग्रे कलर का। सो एंड अगर हैंडल्स आप देखोगे तो क्योंकि छोटा सा किचन है, कहा जाता है कि उसको हैंडल लेस बना दो। तो हैंडल लेस मतलब जैसे ये बीच वाला आप देख रहे हो वो भी हैंडल लेस है, पूरा क्लीन लग रहा है। एंड नीचे जो है कैबिनेट्स में हमने कुछ इस तरह से ये जो जी प्रोफाइल्स आते हैं, इनको जी प्रोफाइल्स कहा जाता है, तो वो हमने लगा दिया है। तो उससे भी इसका जो लुक है पूरा क्लीन लग रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ओवरऑल आप लोगों को आइडिया दे दिया किचन के बारे में। चलिए आपको एक एक करके दिखाती हूँ। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो पार्टीशन हमने बनवाया है किचन के एंट्रेंस में, वहाँ से किचन को एंटर करते ही सबसे पहले, एक्चुअली जब हमने रिनोवेट करवाया किचन को तो उससे पहले यहाँ पर एक दरवाज़ा था, मतलब जैसे वहाँ पर आप देख पा रहे हो वो टॉयलेट है एक, तो इस तरफ जो है वो किचन का जो डोर है वो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो। तो ये पूरा ग्लास का है, दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, ऊपर वाला पूरा ग्लास का है, नीचे वाले में हमने लैमिनेट जो है वो लगवाया है। तो इसको जाता है इस तरह से, एंड अंदर आप देख सकते हो अलग अलग कंटेनर्स में, जैसे ऊपर प्लास्टिक के कंटेनर क्योंकि थोड़े ऊपर है तो हाथ मतलब निकालने में तकलीफ़ होती है, तो मुझे तकलीफ़ होती है बिकॉज़ मेरी हाइट इतनी नहीं है, तो इसीलिए उन सबको मैंने प्लास्टिक का ही रखा हुआ है। फिर ये जो है एक्रिलिक के कंटेनर्स है, ये सारे नीचे जो है उनको मैंने ग्लास का रखा है, तो यहाँ पर इनको निकालने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो टूटने का जो है वो डर है, अंदर जाते हैं, ये वाला है हमारा फ्रिज। तो चलिए अंदर आपको दिखाती हूँ। देन ये रहा फ्रिज। तो फ्रिज के अगर आप इस साइड को देखते हो तो ये एक एल शेप का किचन है, तो कुछ इस तरह से ये एल शेप बना हुआ है इसमें। तो वो वाला जो काउंटर आप देख रहे हो वो प्रिपरेशन काउंटर है, मतलब वहाँ पर जो भी कुकिंग होता है वहाँ पर बीच में एक इंडक्शन रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, एंड उसके साइड में बगल में हमारा हॉब है, एंड हॉब के एग्जैक्टली ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो ये चिमनी है स्लैंटिंग वाला, इस तरह काफ के ही, मतलब चिमनी एंड ये जो हॉब है ना दोनों काफ के ही है, एंड ये जो आप देख रहे हो हमारा इंडक्शन है। एंड यहाँ पर ये जो साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने एक कॉर्नर जो कि थोड़ा रखे कुछ रखे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके क्या रखा है, किस तरह से मैंने अरेंज किया है। एंड इस वाइट कलर में भी मैंने जो एडहेसिव हुक आते हैं ना उनकी मदद से उनको यहाँ पर स्टिक कर दिया है, एंड ये कुछ कलरफुल कोट्स मैंने लगा दिए हैं सो दैट थोड़ा वाइट के ऊपर ही उभर कर आए पूरा। तो आपको मैंने जनरल एक आइडिया दे दिया है किचन के बारे में। तो अभी चलिए आपको मैं एक एक करके सारे कैबिनेट्स दिखाती हूँ किस तरह से उनमें मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले काउंटर टॉप को देख लेते हैं। तो ये जो काउंटर टॉप का ये वाला एंड है, यहाँ पर मैंने अपने बॉटल्स रखे हैं जिनको मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, फिल करके रखती हूँ। फिर उसी के बगल में आप देख सकते हो हमारा मिक्सर ग्राइंडर है। तो पूरे किचन में आपको माइक्रोवेव ओवन या फिर कुछ भी उस तरह का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैंने रखा ही नहीं है, मुझे चाहिए नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए हमने ख़रीदा भी नहीं है। बाकी जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको मैंने अंदर ही रख दिया है, जब ज़रूरत पड़ती है उनको निकाल के यूज़ कर लेते हैं। एंड ये जैसे आप बैक्सप्लैश देख रहे हो, ये एक 3D टाइप का बैक्सप्लैश है, बहुत ही अच्छा लगता है, प्रिज्म टाइप का दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर बेसिन के पास जैसे ये वाला देख रहे हो, ये हमारे RO का मतलब जो पीने का पानी है ना उसका टैप है छोटा सा, एंड ये जो आप टैप देख रहे हो ये नॉर्मल वाटर का जो है वो टैप है। फिर उसके साइड में जो कॉर्नर मैंने आपको दिखाया था ये है कॉर्नर। चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले एक प्लेट में ये कुछ छोटे मोटे जो रिक्वायर्ड सामान है उनको रखा है, जो नाइफ है, एंड यहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्लांट मैंने रखा है। फिर उसके बगल में दोस्तों एक 2-tier मेटल का रैक है, जिसके ऊपर वाले हिस्से में मैंने ये कुछ ग्लास के कंटेनर रखे हैं जिसमें काजू किशमिश वगैरह रखे हैं, एंड सामने जो ये येलो कलर के देख रहे सेरामिक उसमें मैंने स्पून्स वगैरह वो सारा सब कुछ रखा है। एंड नीचे के रैक में आएंगे तो ये देख पा रहे हो टी कॉफ़ी एंड शुगर के कैनिस्टर रखे हैं, स्टील के ही कैनिस्टर है, एंड पीछे जो है वो घी के डिब्बे हैं। फिर बीच में ये जो देख रहे हो एक स्टैंड के ऊपर मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। एंड उसके साइड में और एक यहाँ पर रैक है जिसमें ये जो दो व्हाइट कलर के देख रहे हो इसमें अचार रहता है, एंड
और एक ऊपर जो देख रहे हो उसमें तीन ऑयल के कंटेनर है एंड पीछे जो है चॉपिंग बोर्ड है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने इस कॉर्नर को जो वो सजाया है एंड ये जो स्ट्रिप लाइट देख रहे हो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देते हैं। तो जैसे हम इसके साइड में चलते हैं तो ये है विंडो। तो अभी दोस्तों आपको एक ओवरऑल पूरा दिखा देती हूँ आपको कि जहाँ से बॉटल मैंने आपको दिखाया था मिक्सर ग्राइंडर था वहाँ से ये पूरा काउंटरटॉप किस तरह से दिखाई देता है एंड विंडो के राइट साइड में आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है उसी में ही हमने हमारा चिमनी प्लस जो हॉब है उसको प्लेस किया है। ओके तो ये तो स्टार्ट करते हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते ये है मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पर है प्लस ये जो बॉटल मैंने आपको दिखाया ये यहाँ पर है। तो उसके नीचे तीन इस तरह से कैबिनेट है। तो फर्स्ट वाले में अगर इस वाले को मैं दिखाती हूँ आपको तो इसमें जितने भी इस स्ट्रॉ को कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। अलग अलग ग्लासेस है यहाँ पर स्टील के ग्लास के कुछ एक्स्ट्रा कप्स है यहाँ पर पेपर एंड सॉल्ट का ये सेकर आप देख रहे हो होम सेंटर वाला इसको रखा है एंड पीछे जो है बहुत सारे टिफिन अलग अलग साइजेस के उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। फिर ये जो आप देख रहे हो इसमें सारे बैग्स जो लेके जाते हो चाहे मार्केट जाते समय या फिर हो गए जितने भी स्कॉच वाइट सो इस तरह से देख पा रहे हो ये कॉटन के सारे जो बैग्स आते हैं ना तो वो रखा है। ये कुछ क्लिप्स हैं तो उनको इस तरह का छोटा सा एक बास्केट है उसमें रखा है। ये कुछ एक्स्ट्रा स्कॉच वाइट यहाँ पर रखा है प्लस बाकी कुछ एक्स्ट्रा सामान लाइक कपूर हो गया या फिर जो डस्टबिन का पॉलीथिन आता है तो इन सबको इसके अंदर रखा है। नीचे वाला है इसको मैं इस तरह से दो अलग अलग देख सकते हो। ये दो कैनिस्टर्स हैं जिसमें एक में चावल रहता है एंड दूसरे में आटा रहता है एंड यहाँ पर जो भी मतलब चपाती करने के लिए जो भी रोटी बनाने के लिए जो भी सारे एसेंशियल लाइक ये कपड़ा है फिर ये रोलिंग पिन ये सारा सब कुछ मैं इसी के अंदर रख देती हूँ सो दैट एक को ओपन किया जाए एंड वहाँ पर आपको सब सो ये आप देख पा रहे हो। ये जो आप कैनिस्टर्स देख रहे हो ना जो मैंने अमेजोन से परचेज किया है तो 5 किलो के है सब कुछ एक ही जगह पर रह जाते हैं तो काम करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से इन तीनों को मैंने सजाया है। फिर उसके साइड में अगर आप देख रहे हो ये दोनों इनोटेक ड्रॉयर है हेटिक के ही इनोटेक ड्रॉयर हमने इस तरह से आप देख सकते हो ये इनोटेक ड्रॉयर है। ऊपर वाले इसमें मैं रखती हूँ जो रेगुलर यूज़ में आता है मतलब ओपन करके जब मैं आती हूँ लाती हूँ कोई पैकेट तो उसको ओपन करके सब कंटेनर में रख देती हूँ एंड नीचे वाला जो है इसमें मैं रखती हूँ पैक करके मतलब जो ऑलरेडी पैक्ड है मान लो मैं 2-3 लाई हूँ तो उसको यहाँ पर मैं रख देती हूँ। सो दोस्तों ये है ऊपर वाला फर्स्ट वाला जो इनोटेक ड्रॉयर इसमें कुछ इस तरह से कुछ ग्लास के कंटेनर है स्टील के कंटेनर में सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ एंड फिर नीचे वाला जो ड्रॉयर है ये वाला इसमें जैसे मैंने बोला जो भी पैक्ड आइटम्स है मतलब आगे चल के जो चाहिए होंगे उनको कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। सिनोवास बेसिन है तो बेसिन के नीचे यहाँ पर है हम लोगों का जो वाटर आरओ यूनिट हमने नीचे रखवाया है तो ये आरओ यूनिट है एंड इस वाले तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है तो यहाँ पर हमारा आरओ यूनिट है एंड उस कॉर्नर वाले में क्योंकि कुछ ज़्यादा हाथ नहीं जाता है वहाँ पर तो वहाँ पर हमने सिलेंडर रख दिए हैं 2 सिलेंडर प्लस जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं लाइक कुछ कभी कभी बिरयानी हो गया कुछ गेस्ट आए तो बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं उनको मैंने उसको अच्छे से सो ये दोस्तों हम लोगों का अंडर द कैबिनेट वाला आरओ यूनिट है। तो ये केंट का है इसका सब कुछ जो अरेंजमेंट है उसी के नीचे मतलब बेसिन के नीचे ही है। तो जैसे हम खोलते हैं तो एक साइड में हमारा केंट का आरओ यूनिट है एंड दूसरे साइड में ये एक बास्केट में मैंने सारे ये भीम लिक्विड ये सारा रखा है एंड साइड में ये सारे बड़े बर्तन प्लस सिलेंडर रख दिया है। तो फिर नेक्स्ट अगर नेक्स्ट दोस्तों ये जो तीनों आप देख रहे हो इनको देखते हैं। ये तीनों मतलब दिन में सबसे ज़्यादातर यूज़ होते हैं बिकॉज़ ये वाला जैसे देख पा रहे हो क्योंकि ये पूरा हॉब के नीचे ही है तो सारे मसाले आप समझ लो सब कुछ यहाँ पर मैं रखती हूँ। बहुत ही आसान होता है हल्दी नमक सब कुछ लेबल करके अच्छे से उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अलग अलग तरह के कंटेनर है एंड उसी के साइड में एक ही ये जो आप देख रहे हो पार्टीशन करके मैंने यहाँ पर जो लैडल स्पैचुला उन सबको रख दिया है अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। तो नेक्स्ट उसके नीचे सारे के सारे मेरे जो भी बड़े टिफिन से ग्लासेस है ग्लास के बोल है उन सबको मैंने इस तरह से एक ही जगह पर रखा है सो दैट मुझे चारों तरफ ढूंढना ना पड़े। तो आप देख सकते हो सब कुछ एक ही जगह पर मैंने एक के ऊपर एक करके रखा है सो दैट दिखाई भी दे एंड ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। तो ये हुआ सेकेंड वाला ड्रॉ। सो ये वाला बहुत मतलब यूज़ में आता है एंड नीचे अगर हम चलते हैं तो नीचे जो है सबसे जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं लाइक प्रेशर कुकर दूध गर्म करने के लिए हो या फिर जो भी कढ़ाई वगैरह सब कुछ उनको यहाँ पर रखती हूँ। मैं हमेशा एक के ऊपर एक रखती हूँ सो दैट दिखाई दे।
फिर उसके साइड में ये जो तीनों ड्रॉ है उसके साइड में ये है हमारा मसाला पुल आउट। वैसे तो मसाला पुल आउट है लेकिन मैं ये सारे चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ, जैसे ये डिब्बों में सोया बड़ी है या फिर तेज पत्ता वगैरह उनको रखती हूँ, एंड नीचे जितने भी बड़े बड़े बॉटल्स हैं ना जो मेरे पति लेके जाते हैं ऑफिस, तो उनको यहाँ पर रख देती हूँ। फिर ये हॉब के एग्जैक्टली नीचे बॉटल पुल आउट के साइड में ये वाला एक कॉर्नर वाला है जहाँ पर मतलब मैं ओनली एक जो पीछे आप देख रहे हो कैनिस्टर उसमें चिबड़ा रहता है, एंड ये जो सामने देख रहे हो ये एक ऑर्गेनाइजर है जिसमें सारे नॉनस्टिक के कुकर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके मैं रख देती हूँ। तो काउंटर टॉप के बाद दोस्तों चलिए अब दिखाती हूँ आपको ये जो अपर कैबिनेट्स हैं, बस चार ही अपर कैबिनेट है तो उनको दिखाती हूँ आपको एक एक करके। तो सबसे पहले ये वाला जो मिक्सर ग्राइंडर जहाँ पर है उसके ऊपर ये वाला है जिसमें मैंने सारे कप्स जो है वो डेली जो यूज़ में आते हैं प्लस ये वाइन ग्लास उसको कुछ इस तरह से मैंने हैंग किया हुआ है। ये कुछ कुल्लड़ है कलरफुल, एंड ये जो आप कप्स देख रहे हो उनको मैंने इस तरह से जो स्टेयर वाले आते हैं ना इस तरह से रखा हुआ है सो दैट वो दिखे भी एंड उनको लाने में तकलीफ ना हो, तो उस तरह से रखा है इनको। एंड ऊपर जैसे इस वाले सेल्फ के ऊपर चलते हैं कुछ और बोल्स हैं बड़े बड़े कप्स हैं उनको रखा है। तो इसके बाद ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हो इसमें अभी दिखाती हूँ आपको जितने भी एक्स्ट्रा जैसे ये देख पा रहे हो कुछ छोले, तो ये सारा सब कुछ मैं रख देती हूँ। नीचे ग्लास के कंटेनर है, पीछे आप देख रहे हो कुछ स्टील के कंटेनर है, एंड ऊपर जो है प्लास्टिक के सेलो के जो आते हैं ना स्टैकेबल कंटेनर उनको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। एंड सभी में ये जो लेबल लगाना मतलब अच्छा लगता है, देखने से अच्छा लगता है इसलिए मैंने लगाया है। फिर उस वाले कैबिनेट के बाद ये जो कैबिनेट आप देख रहे हो ये है जीटी बीटी हमारा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो जो भी बेसिन में धोने के बाद बर्तनों को ऊपर यहाँ पर रख देते हैं। ये एक ट्रे दिया गया है, पानी सब यहाँ पर कलेक्ट होता है, रात को इसमें से पानी निकाल के रख देती हूँ मैं। तो फिर इसके बगल में ये दोनों कैबिनेट्स है जिसमें फर्स्ट में और कुछ एक्स्ट्रा लाइक सेमोलिना राजमा ये अचार वचार ये सब इस वाले में मैं रख देती हूँ। एंड इसके ऊपर वाले सेल्फ में दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही ऊपर है हाथ नहीं जाता है तो जो रेगुलरली यूज़ में नहीं आता है उनको रखा है। पीछे कुछ जैसे मैंने बोला किचन के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको पीछे रख दिया, एंड ये बास्केट में मिक्सी के जो भी कंटेनर से उनको रखती हूँ सो दैट इसको उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती है। फिर इस वाले में जैसे मैंने आपको बताया था ये जो कैबिनेट के डोर के ऊपर वाइट कलर है तो मैंने कुछ कोर्ड्स इस तरह से लगाया है एडहेसिव सेल्फ एडहेसिव हुक की मदद से। देन इसको जैसे ही खोलते हैं तो ये आप देख रहे हो ये और कुछ कंटेनर्स हैं, तो इस कंटेनर के मेरे पास दो सेट है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मतलब पूरा एक्रिलिक के कंटेनर्स है, तो ये कुछ फ्राइज़ मूंग दाल ये सब यहाँ पर मैंने रखा है जो एक्स्ट्रा मतलब लाइक ज़्यादा हो जाता है ना गाँव से आता है तो मैं रख देती हूँ यहाँ पर। ड्राइड मैंगो हो गया एक्स्ट्रा कुछ सोयाबीन उनको यहाँ पर रखा है, एंड कॉर्नर में जो किचन के अलग अलग सारे जैसे बीटर हो गया केक बनाने के जो सामान है उसको मैंने कॉर्नर में रखा है। एंड जैसे हम ऊपर चलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चावल अलग अलग तरह के चावल जो गांव से आता है ना उनको मैंने रखा है यहाँ पर। एंड हर एक सेल्फ में जहाँ पर लाइट नहीं होता है तो ये जो लाइट आप देख रहे हो उनको मैं लगा देती हूँ इमरजेंसी में जो वो काम में आ जाते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने अपने जो अपर कैबिनेट से उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने की कोशिश किया है सो दैट काम करते वक्त किसी को भी तकलीफ ना हो। तो अभी अगर हम लॉफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो लॉफ्ट मुझे दिखाना तो नहीं है बिकॉज उसमें पूरा भरा पड़ा है सामान, लेकिन ऊपर जैसे आप देख रहे हो ये एक डेकोरेटिव लाइट है तो नॉर्मल लाइट ना लगा के मैंने ये वाला लाइट प्रेफर किया है। एंड फिर ये जो हॉब के साइड में जो वॉल है ना वहाँ पर मैंने ये छोटा सा टी कॉर्नर बनाने की कोशिश की है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर जैसे देख रहे हो कूटी मिर्च वगैरह वो भी रखा है, एंड उसके नीचे ही ये एक रैक है जिसमें आलू अनियन ये सारे रखती हूँ। फिर ये है हमारा फ्रिज, एंड फ्रिज के ऊपर भी कुछ मैग्नेट्स मैंने रखे हैं एंड कुछ मतलब सजावट के सामान उसके ऊपर लगाए हैं। एंड ये रहा फिर से हमारा ये जो यूनिट कैबिनेट जिसको मैंने आपको पहले ही मतलब स्टार्टिंग में दिखाया था, तो इसमें भी कुछ इस तरह से मैंने जो स्नैक्स आइटम है उसको रखने की कोशिश किया है। कोशिश यही रहती है कि क्लीन रखूं मैं किचन को, मेरे हिसाब से मैं रखूं, सजा के रखूं, कहां पर क्या रहे मुझे याद रहे, तो मेरी बस कोशिश यही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।